हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपां दूसरे वास्ते जे काम करते हैं कोई तो उहदी खुशी वक्री हुंदी है। जिवें एक और वो करना भी चाहिए है। जिवें एक कोई बहुत गरीब बंदा सी, किसी पिंड च रहिंदा सी ते सारा पिंड तकरीबन गरीब ही जानता सी ज़्यादा उत्थे। ते वो बंदा बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहिंदा सी कि मैं आराम नाल रज के रोटी भी नहीं खा सकदा, मैनू की करना चाहिए। और बहुत हीले वसीले करता सी पर वो सक्सेसफुल नहीं हुंदा सी। ते एक बारी उन्हें सुनिया कि पिंड दे बाहर कोई साधु महात्मा आया है ते उन्हां कोल हर प्रॉब्लम दी सल्यूशन है। ते वो सोचता कि चलो मैं उन्होंने जाके पुछदा। ते वो महाराज कोल गया, कहिंदा महात्मा जी कोई मैनू कारण दसो कि मेरे नाल इदां क्यों हो रहा, मैं क्यों अपने मेहनत की रोटी रज के नहीं खा सकता। वो कहिंदे तू कल नू आई, मैं परमात्मा नाल गल करूँगा तो फिर तेनू कल नू दसूँगा कि की रीज़न है। वो अगले दिन फिर गया, कहिंदे हाँ जी महात्मा जी की तुसीं पुछया रब नू? वो कहिंदा हाँ मैं पुछया। वो कहिंदे है कि तेरे कर्मा च सिर्फ 5 बोरियां अनाज है तो ता करके वो तेनू थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं कि तू भुखा ना रहे तो ज़्यादा टाइम जिंदा रह सके। वो कहिंदा चलो ठीक है, वापस आ गया। 2-4 दिन लंघे उदा ही, फिर उन्होंने लग्या कि नहीं मैं दोबारा जाता महाराज को। कहिंदा साधु महात्मा जी तुसी मैनू ऐ नहीं हो सकता पुछ के दसो रब नू कि मैं 5 बोरियां जिहड़ियां मेरे कर्मा च वो एक दिन च ही मैनू सारियां मिल जाण ते मैं एक दिन तां रज के खा सकां। ते वो कहिंदे चलो ठीक है, तू सही सच्ची ये चाहुंदा है? कहिंदे हाँ मैं यही चाहुंदा। कहिंदा ठीक है तू जा, मैं गल करके कल नू आई फिर दसूंगा। अगले दिन फिर जाता ते कहिंदे ठीक है, परमात्मा कहिंदा ठीक है तेनू दित्तियां जाणगियां 5 बोरियां ते तू जा करे तेरे घरे पहुंच जाणगियां। अगले दिन जो सवेरे उठ्या उहदे दरवाजे मूहरे 5 बोरियां अनाज दियां पईयां। उहने सोचा कि बड़ा खुश होया भी इकट्ठियां मिल गईयां, भी रब ने सच्ची मेरी मदद करती। ते उहने की कीता, बहुत सारे 5 बोरियां दा 5 बोरियां अनाज, क्योंकि इस पिंड च सारे गरीब सी, उहने वधिया खाणा बनाया ते सारयां नूं बुलाया, उहनां नूं खवाया ते सारे दूसरे भी खुश। बहुत दुआवां दित्तियां उहनूं कि इन्ना वधिया खाणा सानूं मिलिया, रज के असीं रोटी खाधी है। ते 2-3 दिन वो बोरियां चलियां ते थोड़े दिन जदों खत्म हो गईयां उदों अगले दिन सवेरे फिर 5 बोरियां उहदे दरवाजे च पईयां। फिर उहने खाणा बनाया, फिर सारे पिंड नूं बुलाया, सारयां नूं खवाई रोटी। 3-4 दिन वो बोरियां चलियां, फिर मतलब इदां ही उहदा सिलसिला चलदा रहा। जदों 5-6 वारी इदां हो गया उहनूं इहे लग्गिया कि मेरे हिस्से च तां सिर्फ 5 बोरियां ही सी, रोज़ 3-4 दिन किवें मेरे मेरे दरवाजे मूहरे 5 बोरियां पईयां हुंदियां। ते फिर महात्मा जी कोल गया, कहिंदा महाराज तुसीं तां एक दिन 5 बोरियां कहियां सी ते इत्थे तां 3-4 दिन मेरे घर दे दरवाजे मूहरे 5 बोरियां पईयां हुंदियां, किन्नी वारी हो गई? वो कहिंदे ये तेरे ये तां करके है परमात्मा ने तेनूं दित्तियां क्योंकि तू वो 5 बोरियां सिर्फ अपने आप ते नहीं लाइयां, तू खुद नहीं खाधा, तू वंड के खाधा। वो सारिआं वास्ते तूं हो सोचिआ, सिर्फ अपना नहीं सोचिआ कि मैं अपना ही ढिड भरां या जिन्ने दिन चल सकदा मैं चलावां, तू सारिआं बारे सोचिआ तां करके परमात्मा ने तेरे बारे सोचिआ ते तैनूं उहनां ने होर बरकत दित्ती कि वो 5 बोरियां होर तेरे दरवाजे ते आ जांदियां। वो बड़ा खुश होया। ते इदां ही आपां नूं करना चाहिदा, जे अपने कोल कुछ है परमात्मा ने दित्ता है ते वो वंड के खाइए ते उहदे च बरकत भी हुंदी है, परमात्मा बरकत दिंदा है। जे सिर्फ सोचिए कि नहीं ये मेरे तक ही महदूद रहे, मैं ही सब कुछ करना है, फिर वो नैचुरली वो बरकत नहीं आउंदी जिहड़ी आउणी चाहीदी है। और परमात्मा ने जो तुहानूं देणा है वो फिर उन्ना लिमिटेड ही मिलदा है जिन्ना तुहाडे तुहाडे कर्मां च है। सो इस करके वंड छकीए। अपने गुरुआं पीरां ने भी यही आपां नूं सिक्ख्या दित्ती है, इसे नाल आपां अगे वधांगे। ये गल्लां दिमाग च रखो, वंड के छको, खुश रहो, सब नूं खुश रखो। बी ब्लेस्ड ऑलवेज।